hello dear all welcome to our channel smart indian model school smart indian model school presents smart indian edufun classes edufun online classes includes course studies of play group to class 12 emotional and communication skills happiness classes and diy activities good morning kids how are you all आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन किड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश किड्स टूडे इन इंग्लिश आई विल टीच यू यूज ऑफ ए एंड एन बच्चों आज मैं आपको इंग्लिश में ए एंड एन का यूज़ पढ़ाऊँगी सो बिफोर टेलिंग यू यूज़ ऑफ ए एन वी विल रिवाइज वर्वल्स एंड कॉन्सोनेट्स सो लेट्स रिवाइज वर्बल्स एंड कॉन्सोनेट्स बच्चों आज मैं आपको ए एन का यूज़ बताऊँगी ए एन के यूज़ से पहले हम वर्बल्स एंड कॉन्सोनेंस को रिवाइज करेंगे सो लेट्स so kids what are these these are vowels what are these these are vowels vowels क्या होते a e i o u vowels क्या होते a e i o u and consonants क्या होते b c d f g h j k l m n p q r s t v w x y z ये सब क्या होते consonants मतलब a e पूरी पूरी ए बी सी डी में ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से वॉवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू और बाकी जो बचते हैं लेटर्स वो क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेट्स सो गिट्स नाव लेट्स यूज ऑफ ए एन सो गिट्स वेयर वी यूज़ ए हम ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वी यूज़ ए विथ कॉन्सोनेट्स ए का यूज़ कहाँ करते हैं हम कॉन्सोनेस के साथ जो मैंने भी बताया वॉवल्स को छोड़ के जो भी लाइटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स एंड ए एन का यूज़ का हम करते हैं वी यूज़ ए एन विद वॉवल्स अरे वे वी यूज़ ए एन विद वॉवल्स एंड वे वी यूज़ ए विद कॉन्सोनेंट्स विद एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ ए एन एन देखिए बच्चों आपको पता है ए एन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं वॉवल्स के साथ वॉवल्स क्या होते हैं ए आई ओ यू मीन्स ए ई आई ओ यू के साथ जो भी ए ई आई ओ यू होगा उससे पहले हम वॉवल्स जहाँ लिखा होगा हम उससे पहले क्या लगाएंगे ए एन और जहाँ पे भी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जहाँ पे भी ये लिखा होगा हम उसके साथ क्या लगाएंगे ए हम उसके साथ क्या लगाएंगे ए सो किड्स नाउ आई विल टीच यू विद एग्जांपल बट बिफोर टीचिंग विद एग्जांपल वी विल रिवाइज यूज़ ऑफ ए एन एन बच्चों वी यूज ए किड्स वी यूज ए विद कॉन्सोनें हम ए किसके साथ यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंस के साथ और ए एन किसके साथ यूज़ करते हैं वो के साथ विद होम वी यूज़ ए विद कॉन्सोनेंस एंड वेयर वी यूज ए एन विद वॉवल्स ए एन हम किसके साथ यूज़ करेंगे वॉवल्स के साथ और ए हम किसके साथ यूज़ करेंगे कॉन्सोनेट्स के साथ ओके सो लेट स्टार्ट एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल वन डैश एप्पल एग्जाम्पल टू डैश बॉक्स एग्ज़ाम्पल थ्री डैश वैन एग्जाम्पल फोर डैश आयरन किड्स यू कैन सी कि एग्जाम्पल्स दे रखेंगे इसमें देखा डैश एप्पल डैश बॉक्स डैश वैन डैश आयरन जो कि जैसे कि आपको पता है यू नो इट वेरी वेल कि वी यूज कॉन वी यूज ए विद कॉन्सेंट्स एंड ए एंड विद ठीक है तो किड्स वी कैन वी हेर वी सी द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड्स हमें क्या करना होगा हमें इन वर्ड्स का पहला लेटर चेक करना होगा पहला लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है पहला लेटर क्या है वॉवल है या कॉन्सोनेंट है किस यू कैन सी इन फर्स्ट एग्जाम्पल पहला लेटर क्या है कॉन्सोनेंट या वॉवल क्या है ये वॉवल क्योंकि हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू तो बच्चों पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा पहला लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेट यू कैन सी दैट अवर फर्स्ट लेटर इज वॉवल हमारा पहला लेटर क्या है वॉवल तो हम वॉवल के साथ कौन सा क्या यूज़ करते हैं ए एन या एन यूज़ करते हैं ए यूज़ करते हैं ए एन यूज़ करते, करते ना तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन एन एप्पल क्या हो जाएगा ये एन एप्पल नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बी ओ एक्स बॉक्स तो हमारा बी जो है वो वॉवल होता है कॉन्सनेट होता है पहले हम चेक करेंगे वॉवल तो नहीं है ए आई ओ यू ये इसमें से कुछ भी नहीं है वोवल्स नहीं है ये इसमें तो वोवल्स में से कुछ भी नहीं है ए आई यू में से तो जो वोवल्स नहीं होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स तो ये बी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट तो हम कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या यूज़ करते हैं ए हम कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या यूज़ करते हैं ए एंड नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल थर्ड एग्ज़ाम्पल क्या है वी ए एन वैन सो किड्स ये ना ये वी क्या है वोवल है नो no, वोवल्स क्या होते हैं ए ई आई ओ यू ना ये ए है ना ही ई e है ना ही आई है ना ही ओ है ना ही यू है तो जो वॉवल्स नहीं होते उसके साथ हम यूज़ करते ए एंड जो वॉवल्स होते हैं उसके साथ हम क्या यूज़ करते ए एन तो ये वॉवल नहीं है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे ए वॉट वी यूज़ एयर ए नेक्स्ट आई आर ओ एन आयरन आई आर ओ एन आयरन पहला लेटर क्या है हमें फर्स्ट लेटर चेक करना होता है कि हमारा फर्स्ट लेटर कौन सा है फर्स्ट लेटर हमारा कौन सा है आई आई क्या होता है वॉवल वॉवल्स क्या होते हैं ए आई -E ओ यू आई क्या हो गया हमारा वॉवल और हम वॉवल्स के साथ क्या यूज़ करते हैं ए एन तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे ए एन किड्स आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड यूज ऑफ ए एन थैंक यू यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की प्राप्त करने लिए के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ क्लासेज थैंक यू फॉर वॉचिंग